सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसनैन बासर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड, जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के लिए वहां पर अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट ओपन नहीं होता है। वहां पर लिखा आता है कन्फर्म योर आइडेंटिटी और वहां पर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, गेट स्टार्टेड का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके पास न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। वहाँ पर लिखा आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल और वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, गो टू हेल्प सेंटर का। के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको फेसबुक ओपन करके दिखा देता हूँ जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने सोल्व करनी है वो क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन है, तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपने थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पर हमारे पास न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए बता रहे हैं योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, तो ये प्रॉब्लम आ रही है जो हमने सोल्व करनी है। और जैसे यहाँ पर नीचे आपको गो टू हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर भी यही बताएगा वाई वाज माई अकाउंट डिसेबल। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए फ्रेंड्स आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, नंबर वन पर जो लिंक दे रखा है तो आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे रिपोर्ट आ लॉगिन इशू में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस इंटर करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना फ़ोन नंबर इंटर नहीं करना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। नीचे फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू राइट करके रखा है, तो फ्रेंड्स आपने उसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नीचे फ्रेंड्स आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, जब हमारे पास वहाँ पर आता है गो टू हेल्प सेंटर का ऑप्शन और वहाँ पर बताता है यूर अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल, वहाँ पर आपने उस वक्त स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ऐड करके इसे सेंड कर देना है। अब फ्रेंड्स नंबर टू पर जो मैंने लिंक दे रखा है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप आ जाएंगे कन्फर्म योर आइडेंटिटी विद फेसबुक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिल जाएगा योर आईडी कार्ड, चूज फाइल पर क्लिक करके पर फ्रेंड्स आपने अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो बना लेनी है, जिसे आधार कार्ड कहते हैं या फिर पैन कार्ड, आप उसने उसकी फ़ोटो बनाकर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। नीचे फ्रेंड्स आपको लॉगिन ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, फ्रेंड्स अगर आपका फ़ोन नंबर से या फ़ोन नंबर इंटर करना है, ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस इंटर करके आपने इसे सेंड कर देना है। फ्रेंड्स अब आपने दोबारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, नंबर थ्री पर जो लिंक दे रखा है, तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप आ जाएंगे माई पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना फेसबुक ईमेल एड्रेस इंटर करना है, अगर आपका फ़ोन नंबर से या फ़ोन नंबर इंटर करना है, अगर आपका ईमेल से है तो ईमेल इंटर कर देना है। नीचे फ्रेंड्स आपने अपने अकाउंट का फुल नेम इंटर करना है जो आपके फेसबुक अकाउंट का था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको योर आईडी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपने आईडी कार्ड की पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जैसे कहते हैं आपने उसकी पिक बनाकर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसे भी सेंड कर देना है। अब फ्रेंड नंबर फोर पर जो मैंने लिंक दे रखा है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप आ जाएंगे प्लीज़ वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना फर्स्ट नेम राइट करना है, नीचे आपने यूज़र नेम राइट करना है, नीचे फ्रेंड्स आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स योर आईडी का है, तो योर आईडी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है, आधार कार्ड कहते हैं या फिर पैन कार्ड की आपने फ़ोटो बनाकर चूज फाइल पर क्लिक करके सेंड कर देनी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपने कोड ऑन करना है, एडिशनल इन्फो का ऑप्शन है, तो यहाँ पर दोबारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू राइट करके रखा है, तो आपने उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है, डिस्क्रिप्शन से जाकर कॉपी करके यहाँ पर फ्रेंड्स आपने उसे पेस्ट कर देना है। अब आपने इसे भी कर देना है सेंड। अब दोबारा आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, नंबर फाइव पर जो लिंक दे रखा है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स आप आ जाएंगे सिक्योरिटी चेक्स प्रिवेंटिंग लॉगिन में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू है, तो दोबारा आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर कॉपी कर लेना है, तो मैंने पहले कॉपी किया है, तो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपने ऐड करना है जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, जब हमारे पास वहाँ पर योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल आता है और साथ में वहाँ पर गो टू हेल्प सेंटर का ऑप्शन आता है, तब आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो को अपलोड कर देना है। अब आपने इसे भी कर देना है सेंड। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, एक और लिंक, अगर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने दोबारा फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है सिक्स नंबर पर डिसेबल एलिजिबल,
तो जैसे फ्रेंड्स डिसेबल एलिजिबल नंबर 6 पर जो मैंने लिंक दे रखा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना फुल नेम इंटर कर देना है, नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, एडिशनल इन्फो है तो दोबारा आपने उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट जिससे लॉगिन होता था वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर करके इसे सेंड कर देना है। अगर फ्रेंड्स सेंड होता है तो अच्छी बात है, अगर सेंड नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आपने एक बार ट्राई कर लेना है, अगर सेंड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, हमने हमारा मेल सेंड हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपने वेट करना है, बहुत जल्द आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाएगा।